नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल एग्जाम केंद्र। मैं हूं मनोज यादव। दोस्तों, आज आपके लिए टेंस पार्ट टू यानी प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में बताने वाला हूं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में पहचान की बात करेंगे। जैसा कि आप जो है पहचान की अगर बात की जाए इसमें, तो आप इतना समझ सकते हैं कि कंटीन्यूअस का मतलब क्या होता है। कंटीन्यूअस का मतलब जो कार्य लगातार हो रहा हो उसे हम कंटीन्यूअस कहते हैं। ठीक है, तो वही चीज यहां पर भी बताया गया, वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं, तो इससे हमें हिंदी के जो वाक्य बनते हैं, जैसे कि यहां पर आप देख रहे हैं बच्चे शोर मचा रहे हैं, क्या तुम खाना खा रहे हो, इस तरीके से रहे हैं का मतलब जो कार्य हो रहा है, जो कार्य चल रहा है, जो कार्य मतलब लगातार कंटिन्यूअस हो रहा है। ये सारे जो है अगर शब्द वाक्य के अंत में आते हैं तो इससे हमें पता चलता है कि ये सभी जो वाक्य हैं, जो सेंटेंसेस हैं, ये सभी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस हैं, जिनका अनुवाद हम जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ही करते हैं, हिंदी से इंग्लिश में। ठीक है, यहां पर आपको हम ग्रामर जो सिखा रहे हैं हिंदी से इंग्लिश में सिखा रहे हैं टेंस के बारे में। तो आइए देखते हैं इसका रूल क्या होता है, किस तरीके से हमें जो है हिंदी से इंग्लिश में इन सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करना है, वो रूल क्या होता है, किस कैसे हम जो है उसे ट्रांसलेट कर पाएंगे। तो रूल में सबसे पहले आपने सुना होगा दोस्तों, अगर आप थोड़ा बहुत जो है टेंस के बारे में पढ़े हैं, तो नहीं पढ़े हैं तो आप जान जाएंगे, अफर्मेटिव जिसको हम सकारात्मक कहते हैं, यानी कि अफर्मेटिव वाक्य या अफर्मेटिव सेंटेंस है जिसको हम सकारात्मक वाक्य या धनात्मक वाक्य, जो सीधा सीधा एकदम सिंपल हो, उसे हम जो है अफर्मेटिव बोलते हैं। तो इसका जो सेंटेंस यानी कि जो रूल बनता है, सब्जेक्ट प्लस इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर। ठीक है, सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता, उसके बाद जो है यानी कोई भी जब हिंदी का सेंटेंस जब हम उठाएंगे, सबसे पहले कर्ता कौन है उसकी इंग्लिश लिखेंगे, उसके बाद जो है इसमें तीन हेल्पिंग वर्ब आई है इज एम आर। अब इज कहां लगता है, एम कहां लगता है, आर किसके साथ उपयोग होता है, ये सारी चीजें हम नोट में आपको बताएंगे। उसके बाद हमें जो है क्या क्रिया है, क्या कौन सा कार्य हो रहा है वो लिखेंगे, और उसमें आईएनजी लगा दें, क्योंकि आईएनजी ही बताता है कि ये प्रेजेंट यानी कि कंटीन्यूअस का वाक्य है। ये जो आईएनजी लगता है इसी से हमें पता चलता है ये कंटीन्यूअस के वाक्य हैं, जो भी वाक्य देख रहे हैं। उसके बाद अगर अन्य कोई शब्द बनता है बचता है तो उसे भी हम जो है अदर वर्ड में लिख देते हैं। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से अगर हम निगेटिव की बात करें, कोई भी सेंटेंस जैसे मान लीजिए कि वह नहीं जा रहा है, मोहन नहीं खा रहा है, ऐसे वाक्य अगर आते हैं तो उनका सेंटेंस हम जो है कंटीन्यूअस में नेगेटिव सेंटेंसेस में करते हैं। सब्जेक्ट प्लस इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर प्लस नॉट प्लस वर्ब में आईएनजी लगाएंगे, यानी कि क्रिया में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये हो गया नेगेटिव सेंटेंसेस का रूल। उसके बाद इंट्रोगेटिव की बात करते हैं। इंट्रोगेटिव में दो रूल होता है। पहला रूल है, सबसे पहले हमें जब कोई भी वाक्य क्या से शुरू होगा, जैसे आप देख रहे हैं क्या तुम खाना खा रहे हो, क्या तुम बाजार जा रहे हो, क्या तुम पढ़ाई कर रहे हो, ऐसे कोई भी वाक्य आते हैं तो उनका ट्रांसलेशन हमें इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर, ये हेल्पिंग वर्ब हमें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगानी होती है, सब्जेक्ट के अनुसार, प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि इस रूल को फॉलो करना है। जब भी कोई सेंटेंस प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस या किसी भी सेंटेंसेस में अगर क्या आता है तो हमें उसकी हेल्पिंग वर्ब को पहले उठाना है, पहले हेल्पिंग वर्ब रखना है, कैसे रखना है, उसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग रखना है। तो यहां पर जो हेल्पिंग वर्ब है इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद जो है इंट्रोगेटिव का दूसरा रूल होता है, अगर मान लीजिए कि कोई ऐसा सेंटेंस आ गया जिसमें आपसे कहा जा रहा है तुम कहां जा रहे हो, मोहन क्यों जा रहा है, मोहन क्या खा रहा है, मतलब ऐसे सेंटेंस है जो वाक्य के बीच में क्या को संबोधित करते हो या कहां को क्वेश्चन वर्ड जो बन जाता है, कहने का मतलब प्रश्नवाचक शब्द, अगर बीच में वाक्य के बीच में अगर कोई प्रश्नवाचक शब्द आ जाता है तब हमें जो है क्या करना है, इस इंट्रोगेटिव के सेकेंड रूल को फॉलो करना है, क्वेश्चन वर्ड यानी प्रश्नवाचक शब्द सबसे पहले लिखना होगा, कहने का मतलब अगर क्या है तो वहां पर लिखना होगा व्हाट, उसके बाद जो है क्या करना है इज एम आर, उसके साथ
क्या कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी, इन तीनों में से एक को रखना है, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरीके से इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का ये दूसरा रूल है। ठीक है, ये तो हो गए तीनों रूल जो कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में जो है हमें उपयोग करने होते हैं किसी भी हिंदी जो सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए। लेकिन अभी हमें ये जानना है कि जो है कौन, यानी कि जो इज एम आर आपने हेल्पिंग वर्ब देखा है वो कहां किसके साथ लगानी है, कौन से सब्जेक्ट के साथ क्या कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी उसके बारे में जानते हैं। ही सी, यानी नोट में बताया गया ही सी इट, या फिर नेम, किसी का नाम भी हो सकता है, सिंगुलर नाउन, कहने का मतलब ही भी अकेला माना जाता है, सी भी अकेला माना जाता है, सी लड़कियों के लिए उपयोग होता है, ही लड़कों के लिए, इट का मतलब या हो गया, ठीक है, और नेम किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, किसी वस्तु का नाम हो सकता है, ये सभी सिंगुलर होते हैं, तो इनके साथ जो है हमें इज का प्रयोग करना, जो हेल्पिंग वर्ब आप देख रहे हैं इज एम आर, उसमें जो है इज हेल्पिंग वर्ब में लगानी है हमेशा। तथा आई के साथ हमेशा एम को लगाना है, कहने को मतलब आई जो है, आई सब्जेक्ट मैं को आई कहते हैं इंग्लिश में, उसके साथ जो आपका हेल्पिंग वर्ब उपयोग होगा सहायक क्रिया वो एम लगेगी, और यू बी दे या फिर कोई प्लूरल वर्ड हो सकता है, जैसे मान लीजिए ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स, ठीक है, चिल्ड्रेन, इन सभी के साथ जो है हमें क्या करना है, क्योंकि ये सब प्लूरल हो जाती के साथ जो है आर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये सभी जो तीनों रूल और ये नोट ये बताते हैं कि हमें कौन से, यानी हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश ट्रांसलेशन में, यानी कि हिंदी से इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करना है, इनकी मदद से हमें उसे ट्रांसलेट करना होता है। तो ये तो हो गए आपके रूल। अब आते हैं हम जो है ट्रांसलेशन पर, जो कि आप देख रहे हैं यहाँ पर टोटल 8 सेंटेंसेस हमने लिख रखा है, तो हम इसको आप ट्रांसलेट करेंगे जैसा हमने रूल बताया उसी के अकॉर्डिंग हमें ट्रांसलेट करना है। सबसे पहला सेंटेंस देखते हैं, हम बाजार जा रहे हैं, तो हम की इंग्लिश अगर आपको पता होगी तो वी होता है, नहीं पता होगी तो हम आपको यहां पर बता रहे हैं क्या होती है, वी, डब्ल्यू बी, वी मीन्स हम बाजार जा रहे हैं। उसके बाद यहां पर वी के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी, आर लगेगी, क्योंकि आप यहां देखिए यू वी दे प्लूरल के साथ आर का प्रयोग किया जाता है, यानी वी आर। उसके बाद कहां जाएंगे, कहने का मतलब सब्जेक्ट हो गया, आर हो गया, फिर क्या लगाना है, वर्ब, वर्ब क्या है, वर्ब मतलब क्रिया, क्रिया क्या है, जाना, जाना की इंग्लिश क्या होती है, गो, गो में क्या लगेगा, यहां पर बताया है आई एन जी, क्या हो जाएगा, गोइंग। कहां जा रहे हैं, ऑब्जेक्ट यानी कि अदर वर्ड, टू मार्केट, कहां जा रहे हैं, मार्केट, तो कहने का मतलब हुआ वी आर गोइंग टू मार्केट। ये हो गया पहला सेंटेंस आपका। अब दूसरे पर आते हैं, दूसरा जो बता रहा है वो आएगा आपका इंट्रोगेटिव का फर्स्ट रूल फॉलो होगा यहां पर, कैसे, क्या तुम खाना खा रहे हो, तो यहां पर यू, यू यानी तुम की इंग्लिश यू होती है, यू के साथ जो है कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा, इज लगेगा, एम लगेगा, आर लगेगा, यहां आप देख रहे हैं यू वी दे, इसके साथ जो है आर का प्रयोग होगा, किसका प्रयोग होगा, आर का, तो यहां लिखेंगे आर, उसके बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, यू, सब्जेक्ट यू हो गया, उसके बाद फिर क्या आएगा, सब्जेक्ट बाद अगर नॉट इसमें अगर कहीं आया हो तो नॉट लिखते, नॉट नहीं आया तो इसके बाद वर्ब पर जाएंगे, वर्ब क्या है, खाना, खाना का मतलब जो चबाते हैं हम, उसे हम कहते हैं खाना का मतलब ईट, और उसमें क्या लगाना है, आई एन जी, तो क्या हो जाएगा, ईटिंग, आर यू ईटिंग, क्या ईटिंग, भोजन मतलब फूड, तो आर यू ईटिंग द फूड, या फिर आर यू ईटिंग फूड, इस तरीके से आर यू ईटिंग द फूड, ये हो गया कंप्लीट आपका, क्योंकि ये क्वेश्चन वाला था। ठीक, अगला आते हैं, बच्चे शोर मचा रहे हैं, तो बच्चे शोर मचा रहे हैं, तो बच्चे एक तो होते नहीं, कई बच्चे हैं यहां पर, इसलिए हम जो है क्या लिखेंगे, द चिल्ड्रेन, क्या लिखेंगे, द चिल्ड्रेन, द चिल्ड्रेन। अब आप द चिल्ड्रेन क्या है, ये है आपका प्लूरल, प्लूरल के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए, आर आनी चाहिए, यहां लिखेंगे द चिल्ड्रेन आर, क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं, यानी कि मेक कर रहे हैं, मचा रहे हैं, क्या मचा रहे हैं, द चिल्ड्रेन आर मेकिंग, द चिल्ड्रेन आर मेकिंग, क्या मेकिंग कर रहे हैं, नॉइज मतलब शोर, मेकिंग अ नॉइज, क्लियर,
द चिल्ड्रेन आर मेकिंग अ नॉइज, किसके अकॉर्डिंग, फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट प्लस, सब्जेक्ट हो गया द चिल्ड्रेन, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आपकी है आर, क्यों आए, क्योंकि सब्जेक्ट क्या है आपका प्लूरल है, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब आर आएगी, उसके बाद यहां पर मचा रहे हैं मतलब मेकिंग होगा, मेकिंग में आई एन जी लग जाएगा, मेक या मे के ई, लेकिन आई एन जी जब लगता है तो ई हट जाता है, क्या हो जाता है मेकिंग, उसके बाद ए नॉइज आपका जो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। आते हैं चौथे वाक्य पर, वह अपनी ड्यूटी अच्छे से नहीं कर रही है, वह अपनी ड्यूटी अच्छे से नहीं कर रही है, वह कौन है, लड़की है, इसके लिए क्या लिखेंगे सी, क्या लिखेंगे सी, सी के साथ क्या आएगा, सी अकेली है, कहने का मतलब सी के साथ यहां बताया गया था, सी के साथ इज लगेगा, सी इज, सी इज, उसके बाद नॉट भी है यहां पर क्योंकि नहीं लिखा गया है, यहां लिखेंगे सी इज नॉट, सी इज नॉट क्या नहीं कर रही है, डूइंग नहीं कर रही है, डूइंग, सी इज नॉट डू, डू में आई एन जी लगे क्या हो जाएगा डूइंग, सी इज नॉट डूइंग, सी इज नॉट डूइंग हर हर ड्यूटी, हर ड्यूटी, ठीक है, हर क्योंकि हिज जो है लड़के के लिए लगाया जाता है और यहां पर लड़कियों के लिए हर लगता है, हर ड्यूटी, हर ड्यूटी वेल, ठीक है, वेल मीन्स अच्छा, तो सी इज नॉट डूइंग हर ड्यूटी वेल, क्लियर। अगले पर आते हैं, अगला है आपका, वह सोमवार को 7 बजे ट्रेन से आ रहा है, वह सोमवार को 7 बजे ट्रेन से आ रहा है, तो वह की इंग्लिश क्या होगी, ही होगी, इसके बाद क्या आएगा, इज आएगा, क्योंकि ही के साथ इज ही लगेगा हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, ही इज, उसके बाद ही इज के बाद क्या होगा, कमिंग, कम, कम में आई एन जी लग जाएगा, कम मीन्स आना, आई एन जी लगा कमिंग हो गया, ही इज कमिंग, ही इज कमिंग बाय, ही इज कमिंग बाय 7 AM, 7 AM ट्रेन, 7 AM ट्रेन ऑन, कब, ऑन मंडे यानी सोमवार को, ऑन मंडे, मंडे मीन्स सोमवार, क्लियर, ही इज कमिंग बाय 7 AM ट्रेन ऑन मंडे, वह सोमवार को 7 बजे ट्रेन से आ रहा है। आते हैं 6 नंबर सेंटेंस पर, यहां क्या बोल रहा है, तुम हमेशा दूसरों में कमी ढूंढते रहते हो, या ऐसे भी कह सकते हैं तुम हमेशा दूसरों में कमी ढूंढ रहे हो, मतलब ये काम लगातार रहते होता है, देख रहे हो आप, आपको लग रहा होगा ये तो प्रेजेंट डेफिनिट टेंस में चला गया, लेकिन ऐसा नहीं है, रहते हो मतलब हमेशा वो काम हो रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसका ट्रांसलेशन भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ही करेंगे, ठीक है। यहां पर क्या होगा, यू, यू की इंग्लिश यानी कि तुम की इंग्लिश यू, यू के साथ जो है यहां पर आगे आएंगे क्या लगेगा हेल्पिंग वर्ब आर, यू आर, अब यहां पर हमेशा को हम क्या लिख सकते हैं, यू आर फॉर एवर लिख सकते हैं आप, फॉर एवर, ठीक है, यू आर फॉर एवर क्या ढूंढते हैं, फाइंड, फाइंड मीन्स ढूंढना, फाइंड मीन्स ढूंढना, अब उसमें आई एन जी लगा दीजिए क्या हो जाएगा, फाइंडिंग, यू आर फॉर एवर फाइंडिंग, फॉर एवर फाइंडिंग द फॉल्ट, फॉर एवर फाइंडिंग फॉल्ट, या द फॉल्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है, यू आर फॉर एवर फाइंडिंग द फॉल्ट या फॉल्ट विथ, फॉल्ट विथ अदर्स, फॉल्ट विथ अदर्स, ठीक है, यू आर फॉर एवर फाइंडिंग फॉल्ट विथ अदर्स, तुम हमेशा दूसरों में कमी ढूंढते रहते हो। अगले पर आते हैं, इस समय मैं वाराणसी से बोल रहा हूं, एट दिस टाइम, एट दिस टाइम, इस समय, एट दिस टाइम, एट दिस टाइम, इस समय, आई, मैं कहां से बोल रहा हूं, वाराणसी से, आई एम स्पीकिंग, स्पीकिंग एट दिस टाइम, आई एम स्पीकिंग फ्रॉम, आई एम स्पीकिंग फ्रॉम वाराणसी, वाराणसी, क्लियर, इस तरीके से, एट दिस टाइम आई एम स्पीकिंग फ्रॉम वाराणसी। अगले सेंटेंस पर आते हैं, सभी विद्यार्थी बैठकर बात कर रहे हैं, सभी विद्यार्थी बैठकर बात कर रहे हैं, ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ द, ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स, अब कई स्टूडेंट हो गए, क्या हो गया, प्लूरल सब्जेक्ट बन गया, इसके साथ क्या लगेगा हेल्पिंग वर्ब आर, ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स आर
क्या कर रहे हैं, सिट, सिट में बैठे हैं यानी बैठ कर, यहां पर दोनों में एंजी लगेगा, सिटिंग और टॉकिंग दोनों में, ठीक है। ऑल ऑफ द सीट, ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स आर सिटिंग, आर सिटिंग एंड टॉकिंग, सिटिंग एंड टॉकिंग। ये सभी सेंटेंसेस जो आपने यहां पर ट्रांसलेशन देखा, ये सभी सेंटेंस इस रूल के अकॉर्डिंग है। क्लियर है दोस्तों? तो आप सभी लोग जो है इंग्लिश में यानी कि टेंस का पार्ट टू वीडियो ये जो हमारा है, इसे अच्छी तरह से देखिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और जो है दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।